सुबह कल हमने ये स्टार्ट किया था, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसे वाइंड अप कर लेते हैं। आपको एक पावर प्लांट दिया हुआ है, वालिकुम सलाम अमार सनाउल। सो ये एक पावर प्लांट दिया है आपको। पावर प्लांट है, 440 वोल्ट पर पावर जनरेट कर रहा है। इसके बाद ट्रांसमिट करने के लिए ये इसे कुछ स्टेप अप करेगा, स्टेप अप कर देता है कुछ V2 वोल्टेज तक। आपको नहीं पता कितने पर स्टेप अप कर रहा है, आपका काम है ये कैलकुलेट करना है कि ये कितने पर स्टेप अप कर दे। उसके आगे का इसने डेटा डेटा दिया है कि 15 किलोमीटर की वायर है और डबल वायर है। मीन्स आप ऐसे समझो कि जो आपकी टोटल वायर है वो वायर आपकी 30 किलोमीटर की वायर है। और यहां जाकर ये स्टेप डाउन हो जाता है, ये स्टेप डाउन होकर यहां पर 15 किलोमीटर की वायर के बाद यहां तक 1000 वोल्ट, और यहां तक जो पावर है वो किलोवाट। इसके आगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसके थ्रू ये टाउन लगा हुआ है, टाउन में पावर पहुंच जाती है। उसने आपसे कहा रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। भाई टोटल लेंथ कितनी है ट्रांसमिशन लाइन की, अब बताते चलो, छोटी सी चीज है, जल्दी जल्दी होता चला जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, भाई बड़ा मजे का क्वेश्चन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाएगा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है। लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 30 किलोमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 15 ओम का ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस आ गया। ये आपको पता चल गया, जाननी की जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना यहाँ, ये वाला, ये करंट कितना होगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करंट। तो मैं ये जानता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर है वो 800 किलोवाट है और यहाँ वोल्टेज 4000 वोल्ट है। पावर और वोल्टेज अगर पता है तो करंट निकाला जा सकता है। सो वोल्टेज एट विच पावर ट्रांसमिट, तो वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट करती है वो वोल्टेज है 4000 वोल्ट, और पावर जो ट्रांसमिट कर रही है वो पावर है 800 किलोवाट। तो करंट इन ट्रांसमिशन वायर तुम निकाल सकते हो। यार देखना जरा कितना आ रहा है करंट इन ट्रांसमिशन वायर, करंट इन ट्रांसमिशन वायर कितना आया, इट्स पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, इट्स 800 × 1000 डिवाइडेड बाय 4000। सो यहां करंट आ गया 200 एम्पीयर का करंट जा रहा है ट्रांसमिशन वायर से। पहला पार्ट, पहले पार्ट में आपको निकालना था पावर लॉस, पावर लॉस इन वायर। भाई जरा सोचो वायर में पावर लॉस कैसे निकाल सकते हो, सुबह सुबह सोचो, जरा दिमाग तेज चलेगा। पावर लॉस कैसे निकाल सकते हो, हीट, भाई ऐसे निकाल दो हीट के थ्रू, पाई स्क्वायर आर कर दो। पावर लॉस कह रहा है तो 1 सेकंड की बात कर रहा है, टाइम नहीं आएगा, आई स्क्वायर आर कर दो। आई कितना है 200 स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 15, ये 4 और 60 हो गया, तो 600 × 10³ आ गया। तो जो लॉस आया ना तुम्हारी पावर में, लॉस आ गया 600 किलोवाट। देख रहे हो 800 किलोवाट ट्रांसमिट तुम्हें मिल रही है यहाँ, जिस और 600 किलोवाट का लॉस है। ये लॉस तब है जब 4000 कर,
अभी तुम्हें देखने लगेगा कि बहुत हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है। भाई यहां तक समझ आया तो बताइएगा मुझे, ये समझ में आया पावर लॉस होगा 600 किलोवाट। अच्छा, अब अगर पावर लॉस आपके समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट, तो मुझे ये बता सकते हो कितनी पावर ट्रांसमिट हुई होगी कि लॉस के बाद भी यहां 800 किलोवाट बच गई। सोचो कितनी पावर ट्रांसमिट करी होगी प्लांट ने कि 600 किलोवाट के लॉस के बाद भी 800 किलोवाट बच गया। हाँ, तो ये इतना हो जाएगा, इट्स पावर रिसीव्ड, पावर रिसीव्ड एट टाउन प्लस पावर लॉस। भाई इतनी तो सप्लाई करी होगी पावर जो यहां पहुंची प्लस जो लॉस हुआ, पहुंची कितनी 800, लॉस कितना हुआ 600, कितना आ गया 1400 किलोवाट। बहुत लॉस है यार, देखो टोटल 1400 किलोवाट ट्रांसफर कर रहे हो जिसमें से 600 किलोवाट का लॉस हो जाता है, 40-40% के बीच में लॉस आ जाएगा। अगर मैं लॉस निकालूं तो लॉस कितना आ जाएगा 600 किलोवाट बाय 1400 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 14 से कितना होता है 46.2 जाएगा। रफली 42% के आसपास का लॉस होगा। अब अगर तुम 4000 वोल्ट पे भी ट्रांसफर कर रहे हो ना तो 42% का लॉस हो गया। फिर देखेंगे 40,000 पे ट्रांसफर करके देखेंगे लॉस कहाँ जाता है। इतना लिख लो यार, जल्दी से लिखो इतना, एक वोल्टेज और रह गया फिर उसे निकालते हैं। दिमाग में चलिए भाई ये भी लिख लिया। अच्छा इसके बाद थर्ड देखिए, वोल्टेज आपको चाहिए कि ये V2 वोल्टेज कितना होगा। पहले मुझे बता दो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वायर लाइन के अक्रॉस। लाइन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। I है 200, R है 15, वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया 6000 वोल्ट, नहीं सॉरी 3000, 3000 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। अब ऐसा है कि अगर यहां ड्रॉप हुआ है ये यहां 3000 वोल्ट का,
तो कितना स्टेप अप करा होगा कि 3000 वोल्ट के ड्रॉप के बाद भी 4000 पहुंच जाए। सो आउटपुट वोल्टेज जो होगा ना ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट प्लांट, आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट प्लांट तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ प्लस जो वोल्टेज प्लांट तक पहुंचेगा, वोल्टेज एट सबस्टेशन। तो जो ड्रॉप हुआ 3000, सबस्टेशन तक पहुंचा 4000, तो टोटल कितना गया होगा सर, तो यहां से 7000 वोल्ट गया होगा। अब एक काम करो, इसे ना 40,000 की जगह 44,000 की जगह 40,000 लो, ये जो मैंने 4,000 दिया था इसकी जगह 40,000 लो, और मुझे बताओ अब लॉस कितना हो रहा है। कुछ नहीं चाहिए मुझे सिवाय लॉस के, सिर्फ लॉस चाहिए। जी जी
चलिए ये रिजल्ट सबका सही आ रहा है, 40,000 के ऊपर 600 वॉट का लॉस मिल रहा है, सेम कैलकुलेशन है। अब जो लॉस आएगा वो लॉस 6,000 वॉट का आ जाएगा। 6,000 वॉट का मतलब है 6 किलो वॉट। तो देखो जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया, लॉस आपका 600 किलो वॉट से गिरकर सिर्फ 6 किलो वॉट रह गया, लाइक 594 वॉट से आपका लॉस कम हो गया, 600 से लेकर 6 रह गया, 6 किलो वॉट रह गया। तो इसीलिए ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है ताकि लॉस कम हो जाए। पावर इज ट्रांसमिटेड एट high voltage to minimize loss. जितना ज्यादा हाई वोल्टेज लोगे पावर लॉस उतना ही कम होगा। चलिए इसे लिख लीजिए, ये खत्म हुआ। एक दो टॉपिक्स और है उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। रब कर दूं मैं इसको, ये लिख लिया स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक है इंस्टेंटेनियस पावर। देखिए इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी जनरल सर्किट के लिए ये प्रोडक्ट होगा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट का। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट का जो प्रोडक्ट होगा उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, इट्स इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। ज़ैनब क्या लिख रही हूं? इंटेंट। ज़ैनब मुझे समझ में नहीं आया, ये स्पेलिंग सही है जो आप लिख रही हैं? अच्छा, इंस्टेंटेनियस का मतलब भाई, यहाँ इंस्टेंटेनियस का मतलब है आप जो इक्वेशन लेते हैं ना ईएमएफ और करंट की, भाई आप ईएमएफ को लिखते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो ईएमएफ है इसे लिखते थे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, ये टाइम के साथ चेंज कर जाएगा, ये वाला ई दे। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिखते थे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी इंस्टेंट पर, ई की वैल्यू टी इंस्टेंट पर है, टी चेंज करोगे ई चेंज कर जाएगा, आई की वैल्यू टी इंस्टेंट पर है, टी चेंज करोगे आई चेंज कर जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट का जो प्रोडक्ट होगा उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। इट्स ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो फाइव है ये फेज डिफरेंस है, डिपेंड करता है आप सर्किट कौन सा यूज कर। सो फाइव इज फेज डिफरेंस दैट डिपेंड्स ऑन सर्किट। आप सर्किट चेंज करेंगे फेज डिफरेंस चेंज होता चला जाएगा, अलग अलग सर्किट के लिए फेज डिफरेंसेस अलग अलग हो। भाई ये क्लियर है इतना यहां तक? अच्छा
इसके बाद एक चीज और है, एवरेज पावर। भाई एवरेज पावर हमने डिराइव यूज किया है ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाय, वो डेरिवेशन अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रही, लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको आनी चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी इसे डिराइव कर रहा हूं। पी एवरेज को लिख सकते हैं वॉक्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और पूरी साइकिल के लिए वॉक डन ले रहे, वॉक डन इन टाइम टी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से आप एवरेज पावर निकाल सकते हो। वॉक डन के लिए हम इंस्टेंटेनियस पावर यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर को आप ऐसे लिख सकते हो डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ये आ गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, इट्स ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इट्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका वर्क डन है इन डी टी टाइम। सो वर्क डन टाइम टी में जब आप लोगे इसे आपको इंटीग्रेट करना होगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी लिमिट इज जीरो। So, ये वर्क डन आ गया, ई नॉट आई नॉट बाहर चला गया, इट्स जीरो टू टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। चलिए भाई इतना लिखिए, इसको पूरा इंटीग्रेट करना है, वर्क डन आ जाएगा, बस उसी वर्क डन को डिवाइड कर दीजिए, पावर मिल जाएगी। भाई इतना लिख लीजिए, बताइए मुझे, इसे रब करते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। So, ये वर्क डन के लिए जीरो से लेकर टी तक इसे इंटीग्रेट कर देना, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी। ई नॉट आई नॉट को आप बाहर ले जाइए, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को ओपन कर दीजिए साइन ए प्लस बी, सो इट्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन डी। भाई एक्सपेंशन होता है साइन ए प्लस बी का, इट्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब देखिए इसके बाद इसे आगे मल्टीप्लाई कीजिए, ई नॉट आई नॉट अलग हो गया, इट्स जीरो टू टी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई सो ये वर्क डन आ गया। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इट्स ई नॉट आई नॉट, दो इंटीग्रल में आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। एक हो जाएगा जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस जीरो से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी। आप एक काम करिए, इसको टू से डिवाइड कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आ गया ई नॉट आई नॉट अलग हो जाएगा। अच्छा, अब यहां मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ले कॉस टू ओमेगा टी होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आप यहां से लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर टी इज वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, दैट साइन स्क्वायर। टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को आप साइन टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को आप साइन टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। सारा सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहां कर दूं तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आया, इट्स ई नॉट आई नॉट इट्स जीरो टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आपने लिख दिया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी जीरो से टी, ये आ गया वन बाई टू साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव डी। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। अच्छा हाँ, एक कॉस फाइव भी, तो कॉस फाइव बाहर है, कॉस फाइव इतना लिख लीजिए, बताइए इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जाहिद इसकी बात कर रहे हो? अब वहां से भी करके देख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। आगे जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बनेंगे उससे कहानी आसान हो जाती है। मैं यहां ये यूज कर रहा हूं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां से भी आप कर सकते हैं। भाई आप इतना लिख लो, बताओ मुझे इसको रब करते हैं। एक दो स्टेप्स और रह गए। देखिए
जी आप टी पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉस फाई कॉन्स्टेंट है। सो आपका अल्टीमेटली वर्क डन आया ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाय टू अलग चला गया, और इसे मैं दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक होगा जीरो से टी डी टी और एक होगा जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। प्लस वन बाय टू आप अलग ले जाइए, ये जो जीरो से टी था ये साइन टू ओमेगा वन बाय टू क्या साइन फाइव भी बाहर ले जाइए, साइन फाइव बाहर चला जाएगा, साइन फाइव बाय टू जीरो से टी साइन टू ओमेगा टी डी टी। अब यहां कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, ये इंटीग्रल मैं आपको एवरेज पावर में करके दिखा, एवरेज करंट में करके दिखा चुका हूं, जीरो होता है, ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये भी जीरो होगा। आपके पास जो टर्म बचेगी, आप स्कूल में अगर ये डेरिवेशन आ भी जाए तब भी आप इन इंटीग्रल्स को यहां जीरो लिख सकते हैं। अगर आप में से कोई देखना चाहता है इंटीग्रेट कैसे होता है तो एवरेज करंट और एवरेज और आरएमएस करंट की डेरिवेशन देखिए, उसमें मैं आपको डिराइव करा चुका हूं, जीरो टू टी डी टी बचेगा। तो वर्क डन आ गया आपका ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाय टू डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, लिमिट जीरो से टी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं स्कूल एग्जाम्स में वैसे तो साल नहीं है डेरिवेशन, लेकिन अगर आती भी है तो आप जीरो से टी इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आ गया ई नॉट आई नॉट टी कॉस फाइव बाय टू टी। पी एवरेज के एक्सप्रेशन में इसे रख दीजिए, पी एवरेज होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन होता है ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाय टू टी बाय टू। सिटी से टी कैंसिल हो गया, इट्स ई नॉट आई नॉट बाय टू इंटू कॉस फाइव। अब इस टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ई नॉट I नॉट टू को आप लिख दो root टू इंटू कॉस फाइव, ई नॉट बाय रूट टू ये आर एम एस होता है, आई नॉट बाय रूट टू आई आर एम एस होता है कॉस फाइव। सो ये एवरेज पावर आ गया ई आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइव जो हमने हमेशा यूज किया, ये इसकी डेरिवेशन ऐसे लिख दीजिए। इतना हो जाए बताइए मुझे, इसको रब करते हैं। अबे अरबाब यार तुम सब भूल जाते हो, लिमिट भी तो रखी हुई है। सुनो कॉस का होगा साइन टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा, भाई किसी को अगर डाउट है तो देखो यहाँ टू ओमेगा
वन बाई टू ओमेगा बाहर ले जाओ, साइन ओमेगा को टू पाई बाई टी लिख दो, अपर लिमिट टी रख दो, माइनस साइन जीरो रख दो, टी से टी कैंसिल हो गया, वन बाय टू ओमेगा साइन फोर पाई माइनस साइन जीरो। इसी तरह से साइन का इंटीग्रेशन जो है, ये डेरिवेशन आती थी, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसमें डेरिवेशन हटा दिए, लेकिन ये आती थी, कई बार आ चुकी ये रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन मुझे सिखाना था ये कि करते कैसे। भाई इतना लिख लिया, रब कर दूं इसको। अब इसके बाद यहाँ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे एक डेफिनेशन होती है आपकी मॉडुलस कंपोनेंट ऑफ करंट डिफाइन की, वॉटलेस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट। तो वॉटलेस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट में क्या होगा, अगर मैं भाई अगर मैं ये ईएमएफ और करंट ले रहा हूं, ये आपका ईएमएफ है, आरएमएस वैल्यू, ये करंट की आरएमएस वैल्यू, इनके बीच में फेज डिफरेंस फाइव। आज एसी खत्म हो रहा है, तो एसी में इतना तो आप समझ गए कि एसी में फेजेस की वजह से करंट और ईएमएफ वोल्टेज की तरह डील करता है। सो करंट का यहां जो कॉम्पोनेंट आएगा वो आएगा आईवी कॉस फाइव, और करंट का यहां जो कॉम्पोनेंट होगा दैट इज आईवी साइन फाइव। यहां जो कॉम्पोनेंट होगा ये आएगा आईवी साइन। तो ये करंट का कंपोनेंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, मुझे बताओ कि फेज डिफरेंस बिटवीन ईवी, भाई ईवी लिखने का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू लिख दी मैंने, एंड आईवी साइन फाइ इज कितना है, भाई बताओगे फेज डिफरेंस कितना है ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू और इसमें, बहुत बड़े दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है पाई। तो अगर मैं एवरेज पावर लेता हूं, एवरेज पावर ड्यू टू आई वी साइन फाइव, क्या लगता है कितना आएगा एवरेज पावर ईवी, और ये हो जाएगा आई वी साइन फाइव इंटू कॉस पाई बाई टू। तो यहां एवरेज पावर आएगा जीरो। इस कॉम्पोनेंट को आप कहोगे वॉटलेस कॉम्पोनेंट, This is known as wattless component. So, वो component है जिसके corresponding average power dissipation zero हो जाए, इसे wattless component of current। लिखिए इतना। चलिए वॉटलेस कॉम्पोनेंट हुआ, इसको मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट देखिए। वॉटलेस कॉम्पोनेंट के बाद नेक्स्ट है चोक कॉइल।
देखो चोक कॉइल क्या चीज है, चोक कॉइल इज बेसिकली एन इंडक्टर। अब समझो जरा इसके पीछे का इंट्रोडक्शन। सर्किट में करंट रिड्यूस करने के लिए, अगर आप डीसी सर्किट ले रहे हो, डीसी सर्किट में करंट रिड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको करंट रिड्यूस करना है तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाओ, करंट रिड्यूस होता चला जाएगा, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो इन डीसी सर्किट करंट रिड्यूस करने के लिए आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं, बट रेजिस्टेंस में एक प्रॉब्लम होती है कि एनर्जी का वेस्टेज हो जाएगा हीट की फॉर्म में, जैसा हमने अभी ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था। बट डीसी सर्किट में कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो आपको रेजिस्टेंस ही यूज करना होता है और एनर्जी लॉस हो जाती है। बट डीसी सर्किट में आप इंडक्टर यूज कर सकते हो, इंडक्टर करंट रिड्यूस कर देगा, बट आप जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो होता है। तो इंडक्टर को, इंडक्टर ही बेसिकली चोक कॉइल, इंडक्टर को यूज करेंगे टू रिड्यूस करंट इन द सर्किट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन एनर्जी। Choke coil, it is an inductor used to reduce current in circuit. Reduce current in circuit without loss of energy in form of heat. अब विदाउट तो नहीं हो सकता, देखो यार आइडियली तो जीरो नहीं होगा, विदाउट और मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर यही काम आप किसी और के साथ करते हैं, लाइक इसी काम के लिए आप रेजिस्टर यूज करते हैं, तो आपकी एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में हो जाएगा। बट अगर आप इसी काम के लिए इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, इसको आप चोक कॉइल कहेंगे। सो चोक कॉइल इज बेसिकली इंडक्टर। अब यहां जब आप करंट लोगे I नॉट, दैट करंट विल बी E नॉट बाय XL। करंट I नॉट इज E नॉट बाय XL। आप जब इसमें एवरेज पावर कैलकुलेट करोगे इंडक्टर में, तो एवरेज पावर आता है इंडक्टर का ERMS IRMS cos pi by 2, तो एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो है। सो चोक कॉइल आपके लिए एक इंडक्टर है, जिस इंडक्टर के थ्रू आप करंट कंट्रोल कर सकते हैं, करंट XL की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ये चोक कॉइल। ये लिखिए चोक कॉइल पर एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, इतना लिख लीजिए। अब मुझे बताओगे रियल लाइफ में जब तुम इंडक्टर लेकर आओगे एसी से कनेक्ट करोगे, सो दैट्स ओनली एन इंडक्टर या आरएल सर्किट होगा? अगर रियल लाइफ में आप इंडक्टर ले आए उसे एसी सर्किट से कनेक्ट कर, इंडक्टर जिस वायर का बना है उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, सो इट्स नॉट जस्ट एन इंडक्टर, इट्स एन आरएल सर्किट, ये आरएल सर्किट हो जाएगा। इसको रब कर दूं मैं, चलिए ये हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन देखो, एन इंडक्टर नॉन आइडियल। भाई नॉन आइडियल में अभी तो लिख रहा हूं, लेकिन यूजुअली जब ये क्वेश्चन आता है तो पढ़कर आपको डिसाइड करना होता है कि आइडियल है या नॉन आइडियल। अगर मैं कहता हूं आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर का मतलब है जीरो रेजिस्टेंस, नॉन आइडियल का मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा।
इंडक्टर नॉन आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई ऑफ 10 वोल्ट एंड करंट ऑफ 5 एम्पीयर पास थ्रू इट. क्या लगना डीसी सप्लाई है एसी सप्लाई नहीं है. इफ सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई ऑफ 10 वोल्ट, भाई कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है. करंट ऑफ 2 एम्पीयर, भाई ये भी करंट की आरएमएस वैल्यू है. ये जो मैं ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं ये गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में. पास कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्ट. चलो भाई सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे क्या है. सॉल्व करिए और आंसर रिपोर्ट कीजिए क्या है. √21 ओम. ओके एक वजात का आंसर आया और किसी का आंसर. क्वेश्चन चलिए मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं. भाई क्वेश्चन ये है कि आपको एक इंडक्टर दिया है उस इंडक्टर को आपने एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया. डीसी सप्लाई है 10 वोल्ट की और यहां जो करंट फ्लो 5 एम्पीयर. अब परेशानी ये है कि ये जो रेजिस्टर आपको दिया है नॉन आइडियल है. डीसी में इंडक्टर काम नहीं करता है, रेजिस्टर काम करता है. तो ये इंडक्टर बेसिक तरह एक रेजिस्टर की तरह काम करे. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो सबको तो इंडक्टर तब काम करता है जब फ्लक्स चेंज होता है. डीसी में कोई चेंज नहीं होता. तो डीसी में इंडक्टर काम नहीं करेगा, इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस मिक्स है वो रेजिस्टेंस काम करेगा. तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज बाय करंट, रेजिस्टेंस आ गया 2. अब वो आपसे कहता है इस इंडक्टर को, अब ये प्योर इंडक्टर नहीं, इसमें रेजिस्टेंस मिक्स है. डीसी में इंडक्टर काम नहीं कर रहा था, सिर्फ रेजिस्टेंस काम कर रहा था. एसी में इंडक्टर के साथ साथ आपने एक सीरीज में रेजिस्टर भी लगा दिया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. जो इंडक्टर है यहां, ये इंडक्टर है आपके पास, कितने होंगे इसका एक्सएल मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, और आप जो पावर सप्लाई अब कनेक्ट कर रहे हैं वो डीसी ना कनेक्ट करके आप एसी पावर सप्लाई कनेक्ट कर, एसी पावर सप्लाई निकाल. आरएमएस यहां आपको दिया है 10 वोल्ट, आई आरएमएस आपको यहां दिया है 2 एम्पीयर. सो आप यहां तो आरएल सर्किट हो गया, क्योंकि एसी में तो इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों काम करेंगे. डीसी में इंडक्टर कुछ नहीं करता, इंडक्टर एक वायर की तरह काम करेगा, जो काम होगा वो रेजिस्टर का होगा. IRMS जो होगा आपका वो हो जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय XL, X नॉट XL, RL सर्किट Z. तो यहां से Z आ जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय IRMS. ERMS इज 10, IRMS इज 2, कैंसिल हो गया 5. Z को आप लिख सकते हैं रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो Z हो गया 5, XL का पता नहीं, R है 2 स्क्वायर.
दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 25 इज एक्सएल स्क्वायर प्लस 4, सो एक्सएल स्क्वायर हो गया 25, 21 आ गया एक्सएल स्क्वायर. सो यहां से एक्सएल मिल गया आपको रूट ओवर 21. यहां तक क्लियर है तो बताइए, नहीं तो इसको रख कर. इतना हो गया तो बताइए, सर अब कर दो. भाई समझ में आया सबको? आयशा एक और क्वेश्चन देखिए भैया, आपने एक इंडक्टर लिया, उस इंडक्टर के साथ आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और ये एक एसी सप्लाई, ये बल्ब है आपका. बल्ब को हमेशा एक रेजिस्टर माना करो सर्किट में. तो कहता है अ सॉफ्ट आयरन रॉड is inserted in the solenoid after this what will be the effect on brightness of bulb. Solution. So देखिए, this is inductor, it's XL. The resistance of the bulb is R. तो यहां आपको इंपीडेंस कैलकुलेट करना होगा. इंपीडेंस इज रूट ओवर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द बल्ब. तो यहां जो करंट जाएगा, आई आर एम एस ही ले लो, आई आर एम एस होगा ई आर एम एस बाय जेड. आई आर एम एस होगा डिवाइडेड बाय जेड. तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई आर एम एस इज ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड विच इज रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आप एक्सएल को लिख सकते हैं, इट्स ई आर एम एस बाय रूट ओवर एक्सएल इज ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो अगर आप यहां से देखो तो आपका जो करंट है ना, दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टर. अब अगर आपको याद हो कि अगर आप आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे, इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर पाई आर स्क्वायर एल. कि अगर आप आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे मींस म्यू आर बढ़ा दी, आयरन का म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी 1000 होती है. सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग आयरन रॉड और ऑन इंसर्टिंग iron rod in an inductor, inductance increases.
इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंडक्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है करंट डिक्रीज हो जाएगा भाई, करंट इंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट अगर डिक्रीज हो गया तो पावर डिसिपेटेड डिक्रीज हो जाएगा, और जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर विच इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। करंट डिक्रीज होने का मतलब है बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीज, तो बल्ब की धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कभी कहेगा फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, कभी कहेगा आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया, कभी कहेगा कैपेसिटर है फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो इफेक्ट करंट पर पड़ेगा वही इफेक्ट ब्राइटनेस पर पड़ेगा, इसे याद रखिए। बाकी इसमें बहुत वेरिएशन है, मैंने इंडक्टर दिया, आयरन इंसर्ट करवाया, मैं आपसे कहता फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता हूँ, वो कहता इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा दिया, वहां चेंजेस कराएगा। तो कहीं भी कुछ चेंजेस करवाए, जो इफेक्ट पड़ेगा वो करंट पर पड़ेगा और आपको करंट से ही चेक करना। मैं इतना हो गया, रब कर दूं उसे। अच्छा जी, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है, एक टर्म आती है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट यूज करो, देखिए स्किन इफेक्ट का बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं स्किन इफेक्ट एसी के लिए है लेकिन बैकग्राउंड डीसी से ही बनेगा, अगर मैं डीसी लेता हूं जब डीसी किसी कंडक्टर से फ्लो करता है ना, अगर मैं आपको एक कंडक्टर दे दूं, ये आपको एक कंडक्टर दे दिया मैंने, सॉलिड कंडक्टर वायर दे दी, कॉपर की वायर दे दी, इस कॉपर की वायर से आपका डीसी करंट फ्लो कर रहा है। तो जब डीसी फ्लो करेगा तो यूनिफॉर्म फ्लो करता है पूरे क्रॉस सेक्शन से, मींस अगर यहां मैं एरिया ले लूं 1 मीटर स्क्वायर और मैं आपसे कहता हूं 1 मीटर स्क्वायर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहां से अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर उठाऊंगा ना तो यहां भी करंट 2 एम्पियर होगा, मतलब करंट डेंसिटी हर जगह सेम। डीसी सेम फ्लो करता है पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको मैं लिख रहा हूं व्हेन डीसी करंट फ्लोस थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड It is distributed uniformly, distributed uniformly over the whole cross section of conductor. The whole cross section of conductor. So conductor के पूरे cross section से uniformly distributed है। करंट डेंसिटी आप कह सकते हैं कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये डीसी की कहानी, लेकिन डीसी की जगह जब एसी पास करता है, मान लो तुमने ये कंडक्टर ले लिया, जब एसी पास करेगा ना तो एसी आउटर जो सरफेस है उससे एसी ज्यादा पास करता है, इनर सरफेस से एसी कम पास करता है। तो व्हेन एसी
अब यार ये स्किन इफेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस मुझे एक साल का जेई का पेपर याद है जहाँ स्किन इफेक्ट का नाम दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। करंट डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, करंट डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। अब जब एसी पास होगा ना, सेम कंडक्टर से अगर एसी पास हो, देन करंट डेंसिटी इज मोर नियर द सर्फेस देन इन साइड। जब एसी पास करेगा तो सरफेस पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी इनसाइड के कंपेरेबल, तो आप कह कि सरफेस का रेजिस्ट, जहां करंट ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप कह सकते हो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मच हायर फॉर एसी देन डीसी। इसी को कहते हैं स्किन इफेक्ट, कि जो भी पास हो रहा है वो आउटर सरफेस से पास हो रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि स्किन इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए करते क्या है। स्किन इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए एक बड़ा कंडक्टर ना यूज कर छोटे छोटे कंडक्टर्स यूज करते हैं, थिन कंडक्टर, कंडक्टर को छोटे छोटे बंडल्स और वायर में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे स्किन इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। टू मिनिमाइज स्किन इफेक्ट, बंडल ऑफ वायर इज प्रीफर। चलिए लिखिए, और बाप रीजन डिस्कस कर रहे हैं, इतना लिख लो। वजाहत का क्वेश्चन है, एसी के लिए करंट डेंसिटी कम क्यों है, रीजन क्या है, सिर्फ इफेक्टिव रेजिस्टेंस हायर होगा तो पावर लॉस ज्यादा। हाँ सुनाओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा, लॉस होगा,
लेकिन क्या करें, अगर आप थिक वायर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, इसीलिए इसको रिड्यूस करने के लिए बंडल ऑफ वायर यूज करते हैं। जब भी आप एसी पास कराओगे थिक वायर से तो ऐसे ही होगा। अच्छा, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं वजाहत और अरबाब, स्किन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ बंडल। मेरे तो लॉस कम हो जाएगा भाई, मान लो तुम्हारे पास एक इतना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 meter square का, तो यहाँ सिर्फ इतने पोर्शन से करंट जा रहा है बाहर से, या अंदर से करंट ही नहीं जा रहा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैंने इसका एरिया श्रिंक कर इतना कर दिया, अब जो करंट पास होगा वो सरफेस से पास होगा, जो जिस एरिया से करंट पास नहीं हो रहा वो तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया ना भाई। एक 2 m² एरिया ऑफ क्रॉस कंडक्टर को मैं 100 parts में डिवाइड कर दूं तो हर किसी का एरिया क्या हो जाएगा, 2/100 विच इज 0.02 meter square। तो यहाँ तो एरिया रिड्यूस हो गया, स्किन इफेक्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। तनाव, अच्छा अब इसका स्किन इफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ अरबाब, अगर एक कंडक्टर मैं ले लूं और इस कंडक्टर से एसी पास कराऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में? अरबाब इसका आंसर तुम ही बता दोगे, बस एक दो क्वेश्चंस में आ जाएगा इसका आंसर। एसी से एसी भाई, एसी डीसी नहीं, एसी। अबे एसी पास होगा अगर किसी वायर से, एसी पास होता है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगी, फ्लक्स वेरी करेगा, उस फ्लक्स के वेरी करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो ईएमएफ इस पर डिपेंड करता है कि एरिया कितना है, फ्लक्स होता है ना अरबाब, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं अरबाब, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है? अरबाब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, एनबीए। तो जितना ज्यादा एरिया होगा ना टोटल, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता चला जाएगा, उतने ज्यादा फ्लक्स की वजह से उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट आएगा जो ओरिजिनल करंट का अपोज करेगा। ऊपर जाओगे तो सिर्फ आपको इतना पोर्शन लेना है, ये थिन सी आपने लेयर ले ली जिसके एरिया से फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आपका स्किन इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने फैराडेज लॉ में पढ़ा, लेकिन व्हाट इज स्किन इफेक्ट, इसकी कैलकुलेशन बताओ, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का है उस पर ध्यान रखो। कॉज यही है। अब स्किन इफेक्ट की तरह एक और आता है पैरेलल एलसीआर सर्किट, ये ना नीट के सिलेबस में है, ना बोर्ड्स के सिलेबस में है, ना जेई मेंस के सिलेबस में, लेकिन एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिर्फ जेई एडवांस में, वहां भी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पैरेलल एलसीआर सर्किट पर दिया है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं होते, लेकिन दिया है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्किन इफेक्ट का रीजन है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो वायर में जनरेट होगा एसी के फ्लो करने की वजह से। पैरेलल एलसीआर सर्किट देखिए, आपने एक एसी सप्लाई ली, तो मैं लिख रहा हूं नॉट इंक्लूडेड इन नीट और जेई मेन सिलेबस, बट एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है तो मैं चांस नहीं लेना चाह रहा, इसीलिए इसे डिस्कस कर लेते। तो एक एसी सप्लाई है, आपने एक इंडक्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया और एक रेजिस्टर लिया, तीनों पैरेलल में ले लिया, इंडक्टर एल कैपेसिटर सी रेजिस्टर, ये तीनों पैरेलल में। और जो पावर सप्लाई है दैट पावर सप्लाई इज ई नॉट साइन ओमेगा, ये पावर सप्लाई है आपकी, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये बताइए इन तीनों में अरबाब वोल्टेज सेम रहेगा यार, करंट सेम रहेगा तीनों क्वांटिटीज में?
इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर, इन तीनों में अब आप वोल्टेज सेम होगा कि करंट सेम होगा? वेरी गुड, तीनों में वोल्टेज सेम हो जाएगा, करंट अलग अलग जाएगा। अगर आप तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज जाएगा, अगर मैं ई नॉट कह रहा हूं तो यहां भी ई नॉट होगा, यहां भी, तीनों में वोल्टेज सेम फेस में जाएगा। अगर आपको करंट चाहिए इंडक्टर के अक्रॉस आई नॉट एल, तो आप इसे लिख सकते हो ई नॉट बाय एक्सएल। अगर आपको आई नॉट सी चाहिए तो ई नॉट बाय एक्सी। आपको आई नॉट आर चाहिए तो ई नॉट बाय आर। अब मुझे ये बता दो, तीनों में जो करंट जाएगा, यहां करंट गया आई एल, यहां करंट गया आई सी, यहां करंट गया आई आर, क्या तीनों करंट सेम फेस में होंगे? नहीं, तीनों में करंट अलग अलग फेस में जाएगा। तो जैसे आपने एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज को ऐड किया था, वैसे ही यहां पर आपको करंट को ऐड करना पड़ेगा। इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है, रेजिस्टर में सेम फेस में जाता है ईएमएफ, तो ये नेट करंट हो जाएगा। अब यहां पर आप इंपीडेंस ना डायरेक्टली कैलकुलेट कर वन बाय इंपीडेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसे कहते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस इज बेसिकली वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज वन बाय जेड होगा। और एडमिटेंस जैसे मैंने एलसीआर ड्राइव किया था वैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वन बाय एक्सएल माइनस वन बाय एक्ससी का स्क्वायर, ये एडमिटेंस। एडमिटेंस का नाम याद रखिएगा, ये इंपीडेंस का इनवर्स है। इसकी एसआई यूनिट गेस करो भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम इनवर्स, वन बाय ओम इनवर्स इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ओम इनवर्स के बाद आपको फेज डिफरेंस चाहिए करंट और ईएमएफ में, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। तो जब आप फेज डिफरेंस लेंगे करंट और ईएमएफ में, तो ये वही आएगा जैसा आपने सीरीज एलसीआर में पढ़ा था, बस फर्क ये हो जाएगा कि वोल्टेज की जगह करंट आ जाएगा, आईएल माइनस आईसी बाय आर। सीरीज एलसीआर में वोल्टेज की टर्म्स में होता है, यहाँ करंट की टर्म्स में। अगर यहाँ आप रेजोनेंस ले लो, रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट, जब पैरेलल एलसीआर सर्किट में आप रेजोनेंस लोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वन बाय रूट ओवर एलसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यहां करंट मिनिमम होता है, ओमेगा पर करंट मिनिमम होगा, जो बेसिकली आपका ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। आपका इंपीडेंस मैक्सिमम होता है जो इंपीडेंस आर के इक्वल। तो यहां जब आप करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, तो ये पढ़ने की जगह कम होता है। दिस इज ओमेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, ये आ जाएगा आपका आई मिनिमम। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट सीरीज रेजोनेंस सर्किट का बिल्कुल रिवर्स है। अब आप अगर इस फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे डिराइव कर लीजिए कि वहां पर वीएल और वीसी सेम था, यहाँ आईएल और आईसी सेम। फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए ना, फेज डिफरेंस जीरो होने के लिए आईएल आईसी सेम होगा, यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। आईएल ये रहा आपका, आईसी ये रहा। आईएल आईसी सेम होने का मतलब है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। आई एल आई सी वजहत कोई सी भी वैल्यूज हो सकती है, आरएमएस ले लीजिए आप, पीक ले लीजिए, जो भी वैल्यू आप लेकर सॉल्व कर रहे हो पर्टिकुलरली वही वैल्यू जिसे आप ऐड करना चाह रहे हो इंस्टेंटेनियस के अलावा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो चेंज करता है, फेस कॉन्स्टेंट नहीं रहता। नेट करंट के बाद शाहिद, ये है ना टोटल करंट का एक्सप्रेशन, ये नेट करंट को जैसे कैलकुलेट किया हुआ। हाँ, वन बाय ओम को सीमेन कह सकते हैं। एडमिटेंस, एडमिटेंस इनवर्स ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस।
इनवर्स ऑफ इंपीडेंस को हम एडमिटेंस कहते हैं। भाई ये आपका कंप्लीट हुआ एसी, आज इसे यहीं छोड़ेंगे, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ना, मैग्नेटिक वेव से पहले अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने स्किप किया, तो मंडे से अर्थ मैग्नेटिज्म और ईएम वेव स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। हाँ सनाउ बताया ना मैंने, अर्थ मैग्नेटिज्म मंडे से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ क्लियर तबस्सुम, यहां पर जब आपका जी उसी में जब रेजोनेंस होता है ना, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो रेजोनेंस पर करंट मिनिमम है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम हो जाता है। एक फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम है तो यही आएगा ना, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होता था, तो ग्राफ ये था। यहां करंट मिनिमम हो जाएगा तो ग्राफ बिल्कुल उल्टा होगा। इसलिए चलिए भैया आज यही छोड़ते हैं जी। जेड मिनिमम आर था तो ही, जब आप सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ते थे, पैरेलल में कहानी उल्टी।